ना पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी वो ठीक हैं। ये देसी चीजें हैं, देसी चीजें कभी भी बुरी नहीं हो सकती। अगर आप वेट लॉस जर्नी में जा रहे हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ चीनी की जगह शक्कर और गुड़ इस्तेमाल करने से वजन दुगनी तेजी से जाता है, और चीनी क्यों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। मैंने 22 किलो वजन कम किया है, उसमें मैंने चीनी क्यों छोड़ दी पूरी तरह से। तो पहले मैं आपको बताती हूँ चीनी हमारे वजन को दुगनी तेजी से कैसे बढ़ाती है। जब हम चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे ब्लड यानी खून में इंसुलिन बढ़ता है, जिससे जो हम खाते हैं उनसे जो हमको एनर्जी मिलनी होती है ये उस एनर्जी यानी ऊर्जा को कम कर देता है और उनको फैट में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर हमारे दिमाग को भूख लगने का संकेत पहुँचाता है। जो मीठा यानी चीनी है, हम चाहे उसका इस्तेमाल चाहे कॉफ़ी, चाय या ड्रिंक, कोई भी मिठाइयाँ बनाने में करते हैं, ये चीज़ें हमको तुरंत शुगर देती हैं। मीठा हमको अच्छे मूड में ले आता है और आपको पता भी नहीं चलता आप कब मीठा खाने के आदि बन जाते हैं। जो ये मीठा है ये स्मोकिंग छोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है, पर इसको ज़्यादा खाने से आप कितनी बीमारियों से यानी वजन बढ़ना, शुगर, फैटी लीवर, स्ट्रोक, कई चीज़ें पैदा कर देता है ये मीठा। ये हमारे शरीर की जो बनावट है उसको ही बिगाड़ देता है। साथ ही साथ चीनी खाने से हमारे फेस से ग्लो चली जाती है, पिंपल्स निकलते हैं। आप एक हफ्ते के लिए चीनी छोड़कर देखें, आपके शरीर में पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगेगा, वजन तो कमेगा ही, साथ ही साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक और आपकी बॉडी हल्की महसूस होगी, आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, आपको खुद बे खुद फर्क नजर आएगा। तो हमको ऐसी चीजें खानी ही क्यों है जो हमको 2 मिनट की खुशी लेकिन उसके साथ ही साथ बीमारियां दे जाए और दुगनी तेजी से वजन भी बढ़ा दे। तो मैं आपको आगे डिटेल से बताती हूँ चीनी की जगह शक्कर या गुड़ क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो बने रहे आप मेरे साथ मेरी वीडियो में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आप क्या सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा व लाइफ चैनल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिन निकला है। मैंने अपने 40 मिनट का एक्सरसाइज भी डन कर चुकी हूँ और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ। अब बारी है फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक की, तो चलो बनाते हैं। आज मैं फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ ये चिया सीड्स का वाटर। मैंने इसको हल्का सा गुनगुना किया पानी का और इसमें मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स के मैंने ये डाले हैं, और इसको मैं कोई भी नींबू ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैं ऐसे ही पी लूंगी। काफी अच्छी ड्रिंक है, इसमें प्रोटीन फाइबर होता है चिया सीड्स में और ये आपके पेट को काफी समय तक भरा रखता है, तो बस मैं यही पीने वाली हूँ और हमारे वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और चिया सीड्स काफी अच्छे बीज हैं, इसकी तासीर काफी गर्मियों में ठंडी होती है तो हमको इंक्लूड करना चाहिए। अगर कोई नींबू ऐड करना चाहता है तो इसमें आधा नींबू भी ऐड कर सकता है, बस मैं ये पीने वाली हूँ। अगर आप जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, जो आप ड्रिंक सुबह मॉर्निंग में लेते हैं आप वो ले सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक लिए अपना 1 घंटा हो चुका है और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो चलो ब्रेकफास्ट में बनाते हैं एक यमी सी चाट। तो चले, तो मैं ब्रेकफास्ट में बनाने लगी हूँ नाश्ते में ये छोले चाट, जिसके लिए मैंने प्याज कट किया है, टमाटर और खीरा कट किया है। बस अब बनाएंगे हेल्दी और यमी छोले चाट। इसमें हम ऐड करेंगे ये प्याज और खीरे ऐड कर देंगे और ये टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें लेमन डालेंगे, नींबू डालेंगे, सीट और कुछ भी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ ये चना चाट, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसमें आप काले चने भी खा सकते हैं, व्हाइट चने भी खा सकते हैं, राजमा चाट भी बना सकते हैं। मैं इस सफेद चने की चाट खा रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। तो प्याज, टमाटर, खीरा डाल के, नींबू डाला, थोड़ा सा नमक मिर्च डाला है, आप ये खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके घर में रोटी सब्जी या कुछ पोहा उपमा जो भी आपके घर बना है आपको वो खाना है, बस क्वांटिटी आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने छोटा सा एक ये बाउल लिया और मैं ये खा रही हूँ। अगर आप रोटी सब्जी सुबह खा रहे हो तो आप एक रोटी ले सकते हैं, अगर पराठा खा रहे हो तो एक पराठा खा सकते हैं। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और ये बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे घर में आलू लेते हैं ना, यहाँ पे ना टेम्पो वगैरह आता है, वो भर के आता है, तो वहां से लेते हैं। मेरे ख्याल सस्ते मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मी वहीं से लेते हैं और ये ले लेते हैं 5-10 किलो इकट्ठे, चलते ही रहते हैं सब्जियों में, दिखाती हूँ। ₹100 के 6 किलो मिल रहे हैं प्याज और ₹100 के 6 किलो ही मिल रहे हैं आलू। तो यहाँ छोटे छोटे टेम्पू में बेचने आते हैं। यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ की लाइफ में सुकून है, वहाँ भागा दौड़ी है। ये नहीं बोले कि मैं अच्छी नहीं, अच्छी वहाँ की भी है, बट वहाँ बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है, तो यहाँ की लाइफ में सुकून है। 12:30 हो चुके हैं और लंच का टाइम हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम है मैं 1 बजे लंच करती हूँ, तो बस मैं लंच करने लगी हूँ अपना। तो चलो रेडी करते हैं, देखते हैं लंच में क्या बना है। तो चलो मेरे साथ किचन में। मैं
लंच में खा रही हूँ छोले राइस, ये व्हाइट चने हैं और साथ में व्हाइट राइस है, एक कटोरी लिए मैंने, और साथ में आदमी सलाद ने खीरा टमाटर खाने का मेरा मन नहीं था तो मैंने बस ये प्याज लिया, तो आज मैं लंच ये खा रही हूँ। मैं रोटी भी खाती हूँ राइस भी खाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वेट लॉस में रोटी राइस छोड़ दे तो हमारा वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा, अगर वो कम हो भी जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए हमको सब कुछ खाना चाहिए, खाकर ही वेट लॉस कम करना चाहिए, बस क्वांटिटी आप ध्यान में रखें। जैसे कि मैंने एक कटोरी सब्जी ली है, एक कटोरी राइस है और सैलेड है साथ में, तो बस मैं यही खाऊंगी, और दही आज ठंडा मौसम है इसलिए मैंने दही नहीं ली, बस मैं चावल और साथ में ये छोले खा रही हूँ। तो आप खा सकते हैं व्हाइट राइस, खा सकते हैं रोटी, खा सकते हैं, बस क्वांटिटी आप लेस लें। तो बस मैं ये खाती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अचानक से इतना प्यारा मौसम बन गया, बहुत प्यारा सा मौसम बन गया, हवा चल रही है इतनी ज्यादा अच्छी, हल्की हल्की बूंदे आने लगे, बारिश स्टार्ट हो जाएगी अभी तेज, बारिश बहुत ज्यादा एकदम से तेज स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा। अभी टाइम हुआ है शाम का 4:30 हुए हैं और मैं अपनी ले रही हूँ ये ब्लैक कॉफी ले रही हूँ, और साथ में आज मैंने इसके लिए ये मखाने का एक बाउल है, इसको मैंने तला वगैरह नहीं है, इसको मैंने हल्का सा बस ऐसे ही भून लिया है, तो बस मैं यही खाने लगी, इसमें कोई नमक भी ऐड नहीं किया, बस ऐसे ही खाने लगी हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ी मेरे को हल्की भूख लग रही थी। अगर आपको इस टाइम भूख लगे तो आप मुरमुरा चाट बना सकते हो, मखाने की चाट, फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ भी खा सकते हो, अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो ग्रीन टी पी सकते हो, दूध वाली चाय पीते हो दूध वाली चाय पी सकते हो, बस शक्कर या गुड़ ऐड करें उसमें, वाइट शुगर मत ऐड करें, तो ये इस टाइम भूखा नहीं रहना, क्योंकि इस टाइम ही इंसान अपनी डाइटिंग तोड़ता है, तो इस टाइम जो आपको मन करे आप उस टाइम अच्छा सा खा सकते हैं हेल्दी सा। तो बस मैं ब्लैक कॉफी पीने लगी हूँ और आज थोड़ी मैं डाउन हूँ, कोई रीजन है जिसके कारण मैं थोड़ा आज डाउन हूँ। तो इनायत कहाँ पे है, इनायत इनायत कहाँ पे है, इनायत आप आओ, लॉलीपॉप खा रहे हो, खा लो खा लो। अभी हो गया है डिनर का टाइम, अभी टाइम हुआ है 6 बजे हुए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, बना लेते हैं क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ रही है आज, तो पनीर भुर्जी बनाने लगी हूँ, तो चलो मैं बताती हूँ, मैं सिंपल सा पनीर भुर्जी बनाऊंगी, तो चलो बनाते हैं। पनीर भुर्जी बनाने लगी हूँ जिसके लिए हमने ये प्याज है उसको अच्छे से चॉप कर लिया, इसको मैंने टमाटर कट किए हुए हैं ये डालेंगे साथ में, थोड़े से ये मटर ये डालेंगे, इसको मटर को बॉइल कर दिया अच्छे से हमने, मैश कर लिया, तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, दैट्स इट, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको हम भूनने देंगे। तो ये मसाला अच्छे से भून चुका है, अब बस इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब बस ये थोड़ा सा 2-3 मिनट में इसको गैस पे ही रखूंगी। ये अंदर बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं, ये देखो ये रील्स बना रहे हैं सारे, ये देखो रील्स बना रहे हैं, ख्वाहिश बैठी हुई है, ये नीत है मेरे कजन का बेटा, नीत हेलो, और ये है हमारा विहान जिसको आप जानते हो, ये दोनों तीनों के तीनों बैठ के रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, किसकी विहान की, हाँ विहान की तो बनने भी बनने नहीं वाली विहान की, तो मैं डिनर में खा रही हूँ पनीर भुर्जी जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, ये काफी प्रोटीन होता है जैसे कि आपको मालूम है पनीर में, तो रात में मैं आज ये पनीर भुर्जी खा रही हूँ, मैंने मटर प्याज टमाटर डाल के अच्छा से हेल्दी सी पनीर भुर्जी बनाई, तो मैं ये खाने लगी हूँ, बस ये इतना से ही मैंने लिया है, मतलब क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल करना होता है तो वेट लॉस हो जाता है। अगर इस टाइम आपको रोटी सब्जी खानी है, एक रोटी खा सकते हैं आप, दलिया खिचड़ी, इस टाइम आपके घर में जो भी बना है हेल्दी आप, क्योंकि घर का खाना तो हेल्दी होता है, बस आप पोर्शन कंट्रोल करके वो अपने पेट में रखें और वही खाएं, क्योंकि ये घर के खाने से आपका वेट लॉस होगा, ये नहीं कि आप कुछ फैंसी चीजें खाएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, घर का खाना ही खाती हूँ तो घर का खाना ही खा के मैंने अपना वेट लॉस किया है, तो बस आज मैं खाने लगी हूँ डिनर में पनीर भुर्जी, तो मैं बस आपसे खा के मिलती हूँ। अभी टाइम हो चुका है 10:15 का और मैं हमेशा की तरह दालचीनी का पानी ले रही हूँ, 1 कप मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा पिंच मैंने दालचीनी डाली है घर पे पिसी हुई है और उबाले दिलवाया, इसको मैं पीऊंगी, खाली पेट पीने से काफी चर्बी इससे मेल्ट होती है, तो मैं डेली ये लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको थोड़ा मैं लो लग रही हूँ, हाँ तो लो लगने का रीजन ये है कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको आज सुबह पेन हुआ, मतलब बाजू में हार्ट में पेन हुआ उनके, तो उनको फिर मेरा भाई मेरी मम्मी चंडीगढ़ ले गए थे,
तो उनको दो स्टंट डले हैं, तो शायद उनको छुट्टी वैसे वो ठीक है, उनको स्टंट डले हैं तो उनको छुट्टी अब कल मिलेगी, कल कल शायद वो दोपहर तक आ जाएंगे, तो इसलिए सारा दिन मैं आपको लो शायद व्लॉग में दिखी होंगी, लग रही होंगी, तो यही रीज़न है लो लगने का। होता है ना, पेरेंट्स हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी वो ठीक हैं, भगवान का शुक्र अभी वो ठीक है, तो कल उनको छुट्टी मिल जाएगी, तो जब वो आएंगे फिर मैं आपसे उनको मिलवाऊंगी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैंने इतना वेट कम किया, 22 किलो मैंने अपना वजन कम किया, तो उसमें मैंने चीनी की जगह क्यों गुड़ को इस्तेमाल किया, ये शक्कर को इस्तेमाल किया, क्यों किया, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, चीनी का इस्तेमाल करना हमारी वेट लॉस जर्नी में है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है, मोटापा बहुत ज्यादा आता है उस चीज से, तो हमको चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने वो कट ऑफ किया था अपनी लाइफ से, और उसकी जगह मैंने शक्कर और गुड़ क्यों यूज किया वो मैं आपको अब बताती हूँ। आपको लग रहा होगा चीनी और शक्कर एक चीज है, नहीं, चीनी और शक्कर बिल्कुल भी एक चीज नहीं है, चाहे दोनों को गन्ने के रस से ही तैयार किया जाता है, लेकिन चीनी अलग है और शक्कर है वो अलग है। देखो चीनी है वो तो मिल में तैयार की जाती है, बड़े बड़ी मिल्स होती हैं उसमें तैयार की जाती है, और उसको उसकी चमक बढ़ाने के लिए, चीनी जैसे वाइट है उसको चमकाने के लिए उसमें काफी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती है, मतलब जो इस्तेमाल की ही नहीं जानी चाहिए, उसके सारे पौष्टिक तत्व है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, तो हमको चीनी अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहिए। चीनी बनाने के लिए गन्ने का रस यूज किया जाता है, वो सिर्फ 10% यूज किया जाता है, बाकी का जो 90% होता है वो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, समझ रहे हैं, मतलब उसका जो शीरा बचा होता है वो शराब बनाने वाली फैक्ट्री में यूज होता है, मतलब सिर्फ चीनी में 10% ही गन्ने का रस यूज होता है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, इसमें इतने ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं क्योंकि उसको चमकदार बनाने के लिए, तो ये आप ये सोचो उसके अंदर इतने केमिकल्स है तो वो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ शक्कर, जो शक्कर है वो 100% ऑर्गेनिक होती है, वो भी गन्ने के रस से तैयार की जाती है, लेकिन इसमें 100% ही गन्ने का रस यूज किया जाता है, इसको गन्ने का गुड़ कहते हैं। पता है इसके ना छोटे छोटे ना इतने इसके पेड़े बना लिए जाते हैं, फिर उसको अच्छे से पीसते हैं, मतलब उसको चूरा करते हैं, फिर वो जाके शक्कर बनती है, मींस ये प्रॉपर ऑर्गेनिक चीज है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है, पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है, तो ये बिल्कुल भी नुकसानदायी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है हमारी बॉडी के लिए, तो हमको चीनी की जगह हमेशा आप ये इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। मैं चीनी की जगह शक्कर और गुड़ को ही इस्तेमाल करती हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा चीनी अलग है, शक्कर अलग है, दोनों ही चीजें अलग है, चाहे एक गन्ने के रस से ही बनी है लेकिन उसमें सिर्फ 10% गन्ने का रस यूज किया जाता है चीनी में, और शक्कर में भी यूज किया जाता है 100% गन्ने का रस, और पहले के जमाने में चीनी भी नहीं, ये चीजें नहीं होती थी, शक्कर और गुड़ ही इस्तेमाल किए जाते थे, तो पहले की चीजें कभी गलत हो ही नहीं सकती है हमारे शरीर के लिए, तो इसलिए मैंने अपनी जो लाइफस्टाइल में सबसे पहले चीनी को कट ऑफ किया, उसकी जगह मैं शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया। शक्कर और गुड़ है वो आप एक ही चीज मान लें, जो शक्कर है उसको पीस दिया जाता है और जो गुड़ है वो छोटे-छोटे ठेलियां होती है, मीन छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, आप समझ चुके हैं कि अगर आपको मिठास चाहिए तो शक्कर का यूज करें या फिर गुड़ का यूज करें। अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, आप एक हफ्ता सिर्फ आप चीनी को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, जब आप देखेंगे कि आपका फेस काफी निखर चुका है, काफी सुंदर हो चुके हो, पिंपल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको समझ में आएगा चीनी हमारे लिए कितनी ज्यादा बेकार चीज है। शक्कर यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज करते हैं, क्योंकि ये देसी चीजें हैं, देसी चीजें कभी भी बुरी नहीं हो सकती। अगर आप वेट लॉस जर्नी में जा रहे हैं तो इनका आप यूज करें, आपका वेट, एक तो आपका वेट भी कम होगा और आप देखना आपके शरीर में जो बदलाव आएंगे, आपको खुद को वो चीजें समझ में आएंगी। तो हमको तो मीठे से ही मतलब है ना, तो हमको वही चीज चुननी है जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारी बॉडी के लिए बेहतर हो, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेहतर हो, तो सबसे पहले हमको यही चीज बदलनी चाहिए। आप बताना आज आपको मेरी वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा। अगर आप नए हैं, न्यू हैं, तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप पुराने हैं, नए हैं, तो एक लाइक करना भी मत भूलें, आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।